तो हाय फ्रेंड्स, क्या आपके भी रियलमी स्मार्टफोन में आप जब भी ऐप ड्रावर को ओपन करते हैं तो ये कीबोर्ड या फिर सर्च बार अपने आप ओपन हो जाता है? तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, जिसके बाद अगर आप ऐप ड्रावर को ओपन करेंगे तो ये कीबोर्ड या फिर सर्च बार अपने आप ओपन नहीं होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग द ऐप ड्रावर वाला ऑप्शन मिलता है, इसे आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है और बस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी अगर आप ऐप ड्रावर को ओपन करेंगे तो ये कीबोर्ड बेवजह ओपन नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर फ्रेंड्स आपकी स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।